इसके बारे में क्या ही कहा जाए। मुझे जब भी कोई भी रहमान सर के बारे में पूछता है मैं बिल्कुल स्पेलबाउंड हो जाती हूँ। क्या है ना, बिल्कुल बच्ची थी मैं, तब से कुछ ऐसे गाने थे जो मैं हम करते आई हूँ, सुनते आई हूँ। मुझे जो गाने बहुत ज़्यादा पसंद थे, ये मैं उस उम्र की बात कर रही हूँ जब इस बात की समझ नहीं थी मुझे कि गाना बनाता कोई और है, गाता कोई और है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ म्यूजिक डायरेक्टर वॉज नॉट नोन टू मी। पर जैसे मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होते रही, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो इतने सारे गाने जो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, ये सारे एक ही इंसान ने बनाए हैं, सारे के सारे गाने रहमान साहब ने। तो बचपन में जो एडमिरेशन था वो धीरे धीरे, जैसे मैं बड़ी होती रही ना, वो धीरे धीरे टर्न इन टू वर्शिप। आई स्टार्टेड वर्शिपिंग रहमान सर और आई हैव बीन फॉलोइंग हिज वर्क फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज। देखिए मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, बहुत बड़ों का आशीर्वाद है मुझ पर कि मेरा जो इतने सालों का सपना था कि मैं एक बार रहमान सर से मिल पाऊँ, वो पहली बार साकार हुआ जब हम दोनों KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में गए और सर ने मुझे वहाँ पहली बार सुना और बहुत सराहा उन्होंने। आई एम वेरी थैंकफुल। पर उसके बाद आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो रिसेंटली जहाँ रहमान सर ने मुझे वापस से देखा एंड शायद मैं उन्हें फिर से याद आ गई कि उसी शो के बिल्कुल ख़त्म होने से पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिला सर के लिए गाना गाने का। ये एक सपने से ज़्यादा सपने से कम कुछ नहीं है। ये मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ड्रीम करती थी कि कैसा होगा सर के स्टूडियो में, सर गाना कैसे बनाते होंगे, प्रोसीजर क्या होगा। और सर को मैं अपना भगवान मानती हूँ तो उनका स्टूडियो मेरे लिए टेम्पल हुआ। तो जिस दिन मुझे सुबह कॉल आया कि मुझे उनके स्टूडियो जाना है और वो मुझे रिकॉर्ड करने वाले, मैं बौखला गई थी। मैं उनके स्टूडियो पे उनके सामने बैठ के मैंने वो गाना बनते देखा। निस दिन जो गाना गाया है मैंने, वो गाना मैंने स्क्रैच से बनते देखा है और अपने सामने अपने भगवान को काम करते देखा है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, ये एक अनइमेजिनेबल वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं लोग सबके आशीर्वाद से मैं उनके साथ आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग टू वर्क। मैं उनके लिए कुछ स्क्रैचेस गा रही हूँ बस, क्या पता यही आशा करते हुए कि सर आई एम एबल टू डिलीवर वन ऑफ दी स्क्रैचेस इन अ वे दैट सर लव्स देम एंड इट गेट्स फाइनलाइज। बस आशीर्वाद करिए। जी वेस्ट म्यूजिक हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा बिकॉज वेस्ट म्यूजिक की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें सिखाया गया है कि देर आर थ्री डिफरेंट रजिस्टर्स ऑफ वॉइस इंडियन क्लासिकल में, जैसे कि लोग ना जानते हुए लोग यूज कर लेते हैं, बट वेस्टर्न म्यूजिक में क्या है कि हमें वो टेक्निकलिटी समझाया जाता है कि, और आपको रीजंस दिए जाते हैं कि इसको ऐसे क्यों करना है और वैसे क्यों नहीं। वी आर टॉट हाउ टू एक्सेस दोज रजिस्टर्स ऑफ वॉइसेस एंड उन टेक्निक्स को अगर हम इंडियन क्लासिकल में यूज कर ले तो इट कैन बी मार्वेलस, इट कैन बी मार्वेलस। तो दिस इज वन ऑफ द लिटिल थिंग्स जो हमें वेस्टर्न क्लासिकल से सीखने को मिला, अमंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, प्रोजेक्शन, यू नो, बॉडी पॉस्चर, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और वेस्टर्न क्लासिकल में एक और चीज़ हमें बताया गया था कि योर बॉडी, फॉर अ सिंगर योर बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट, तो इसे यू हैव टू कीप इट, पॉस्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इंश्योर्स कि आपके अंदर जो एयर फ्लो है, आपका आवाज़ कहाँ से निकलता है, एयर फ्लो की वजह से। तो द बॉडी पॉस्चर आप अगर सही मेंटेन करेंगे तो आपका वॉइस प्रोजेक्शन ऑटोमेटिकली बेटर होगा। जस्ट सम फ्यू थिंग्स है ना जो बहुत हेल्पफुल रहा। अभी हम जो गाना कोशिश करने वाले हैं ये दीपक पंडित जी का कंपोजिशन है, सोनू निगम जी का गाया हुआ। ये ब्रिलियंट ब्रिलियंट कंपोजिशन है, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको पसंद आए।
से कहे वैसे देखा जाए तो हमारे घर में संगीत का माहौल हमेशा से ही रहा है, पर किसी ने उसे प्रोफेशनली परस्यू नहीं किया, वो और बात है। मेरे दादाजी बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, मेरे पापा उनके हाथ पे आप कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट थमा देंगे ना वो बजा देंगे, एंड ही हैज हैड नो फॉर्मल गाइडेंस। मेरी मम्मी एक ट्रेंड कथक डांसर हैं, मेरी बड़ी मासी शी यूज्ड टू बी अ सिंगर, या तो वही मतलब माहौल हमेशा से रहा है, किसी ने उसे आगे बढ़ाया नहीं, वो बस हॉबी बन के रह गया सबके लिए। बट आई थिंक क्योंकि घर में एवरीवन अप्रिशिएटेड म्यूजिक, इसीलिए जब बचपन में मैं गुनगुनाने लगी गाने, लोगों ने मेरे घर पे, मेरे मम्मी पापा ने बहुत जल्दी उसे रिकग्नाइज किया, मेरे मासी ने, मेरे मम्मी पापा ने बहुत जल्दी उसे रिकग्नाइज किया कि मे बी इफ दे ट्रेन मी वेल आई कुड गो ऑन एंड बिकम अ सिंगर। और इसीलिए ऑल्दो मेरे मम्मी पापा दे आर बोथ इंजीनियर्स, येट उन्होंने हम दोनों को जितना हो सका आज तक फुल फ्लेजेडली सपोर्ट करते आए हैं मम्मी पापा हमें। दे मूव्ड फ्रॉम असम टू कोलकाता, इतना बड़ा एक डिसीजन लिया उन्होंने जस्ट ताकि वो मुझे प्रॉपर म्यूजिकल गाइडेंस दिला सके। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मेरी मम्मी ने, अपना करियर त्याग दिया ताकि वो हमारे साथ ज़्यादा टाइम बिता सके। पापा वर्क्स डे एंड नाइट जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो वी हैव ऑल एवरीथिंग, हमारे घर पर एक स्टूडियो सेटअप हो जाए, जो भी हमें चीज़ें लगती रहती हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर म्यूजिकली साउंड एंड वी आर म्यूजिकली इक्विप्ड। आवर पेरेंट्स हैव मेड श्योर दैट वी हैव यू नो वी हैव एवरीथिंग, बी इट प्रॉपर गाइडेंस, बी इट एक्सेस टू द थिंग्स दैट वी नीड टू मेक प्रॉपर म्यूजिक। तो हमारे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट, बहुत गाइडेंस, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस रही हैं आज तक, तभी हम अभी तक कुछ कर पाए हैं, और आगे भी अगर कुछ कर पाएंगे दैट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। हाँ जी, मेरी राशिद खान साहब के पास तालीम शुरू हुई जब मैं 4.5 साल की थी। हम लोग असम से कोलकाता मूव हो गए ताकि, मेरे पेरेंट्स का ये डिसीजन था ताकि वो मुझे एक अच्छी जगह म्यूजिक की गाइडेंस दिला सके। 4.5 साल की उम्र में, जैसे कि मैंने कहा, मेरी तालीम शुरू हो गई, बहुत ही सीरियस, बहुत ही डिसिप्लिन्ड जगह थी राशिद खान जी की एकेडमी, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी तालीम एक बहुत अच्छे जगह से शुरू हुई। कहते हैं ना, अगर पहला साह सही जगह पे लगे, सही जगह से सीखने को मिले, तो बाकी की जर्नी यू नो दैट यू हैव स्टार्टेड इट द राइट वे। आगे की जर्नी जब बेस स्ट्रांग हो जाती है ना, तो बिल्डिंग सही बनती है, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं ITC संगीत रिसर्च अकेडमी की स्कॉलर रही, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ही, और उसके बाद अंकिता और मैं, हम दोनों वेस्टर्न क्लासिकल की तालीम हमने ली KM म्यूजिक कंजर्वेटरी से, जो कि रहमान सर का इंस्टीट्यूट है। हम दोनों, हम हमेशा बहुत नए चीज़ें सीखने को बहुत उत्साहित रहते हैं, तो हमें बहुत वी वर वेरी इंट्रीग्ड टू नो कि वेस्टर्न क्लासिकल कैसा होता है, तो वो नॉलेज हमें KM में मिला।